पहाड़ की चोटी पर दरख्त पर एक उकाब ने अपना घोंसला बना रखा था, जिसमें इसके दिए हुए 4 अंडे पड़े थे कि जलजले के झटकों से एक अंडा नीचे गिरा जहां एक मुर्गी का ठिकाना था। मुर्गी ने उकाब के अंडे को अपना अंडा समझा और सीने के लिए अपने नीचे रख लिया। एक दिन इस अंडे से एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना उकाब पैदा हुआ, जिसने अपने आप को मुर्गी का चूजा समझते हुए परवरिश पाई और मुर्गी समझ कर बड़ा हुआ। एक दिन बाकी मुर्गियों के साथ खेलते हुए उसने आसमान की बुलंदियों पर कुछ उकाब उड़ते देखे। इसका बहुत दिल चाहा कि काश वो भी ऐसे उड़ सकता। जब उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार दूसरी मुर्गियों से किया तो उन्होंने इसका तमस्खर उड़ाया और कहकर लगाते हुए कहा कि तुम एक मुर्गी हो, तुम्हारा काम उकाबों की तरह उड़ना नहीं। कहते हैं इसके बाद इस उकाब ने उड़ने की हसरत दिल में दबाए एक लंबी उम्र पाई और मुर्गियों की तरह जीता रहा और मुर्गियों की तरह ही मर गया। ठीक इसी तरह मनफी सोचों को दिल में बसा कर रहना इन सोचों का गुलाम बन कर रहने के मुतरादिफ है। अगर आप उकाब थे और आपके ख्वाब आसमान की बुलंदियों में उड़ने के थे तो फिर अपने ख्वाबों को अमली जामा दीजिए। किसी मुर्गी की बात पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भी अपने साथ ही पस्तियों में डाले रखना है। अपने शख्सी एहतराम को बुलंद रखना और अपनी नजरों को अपनी मंजिल पर मरकूज रखते हुए अजम और बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ना ही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता होगा। जब मामलात आगे ना बढ़ रहे हों तो अपनी रोजमर्रा की आदतों से हटकर कुछ करना भी कामयाबियों को आसान बना देता है। और फिर ये भी तो जहन में रखना होगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का। Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.